बोलो जयकारा, बोलो वे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मुरली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंसी दयाली जी महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। ब्रह्म विद्या ही वास्तविक विद्या है। एक दिन टेरी के समीप किसी गांव में कुछ भक्तों ने श्री परमहंस दयाल जी की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करने लगे। श्री सतगुरु देव जी हमारे गांव में एक नया गुरुद्वार बनाना चाहते थे, अब उसका उद्घाटन करना चाहिए। हम दासों पर अत्यंत कृपा होगी यदि आप वहां दर्शन दे दो तो। श्री परमहंस दयाल जी बोले, हमारे पास तो समय नहीं है। यदि अपने ही रूप में हम बाबा स्वरूपानंद जी को आपके साथ भेज देते हैं, इनमें और हमें कोई भिन्न भेद नहीं है, यह आपको सत्संग सुनाएंगे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर श्री महाराज जी अपने भक्तों के साथ चल पड़े। भक्त रामचंद्र जी को आज्ञा अनुसार साथ जाना पड़ा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि श्री महाराज जी किसी स्कूल अथवा पाठशाला में तो नहीं पढ़े, यहाँ यह वहाँ जाकर क्या करेंगे। जब उस गांव में पहुँचे तो श्री महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग आरंभ कर दिया और भक्त रामचंद्र जी चकित रह गए। लगभग 3 घंटे तक श्री गुरु महाराज जी अमृत वचन उच्चारण करते रहे। उनके इन सत्संग को सुनकर भक्त रामचंद्र जी मन में अहंकार तत्काल टूट गया। वह पहले विचार कर रहे थे यदि श्री महाराज जी सत्संग ना कर पाए तो नियम पूर्वक के लिए हम ही कुछ कह देते हैं, परंतु उन्हें क्या पता था कि श्री महाराज जी परमहंस दयाल जी के वचनों में क्या रहस्य भरा होता है। संत के वचन बड़े अनमोल होते हैं। यह श्री महाराज जी नहीं बोल रहे थे, ईश्वर की सत्ता स्वयं बोल रही थी। सकल संसार की वाणियों के भंडार जब स्वयं जहां और जो चाहे जिस समय चाहे कहलवा सकते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब ने इस ईश्वरी सत्ता को प्रणाम करते हुए अपने निज अनुभव वर्णन किया है। 40 वर्ष तक मुझे बिल्कुल साधारण व्यक्तियों के रूप में जीवन व्यतीत करते हो गए थे। तब कभी कभी हम मक्का के समीप गारा भूरा गुफा में जाकर तपस्या किया करते थे। एक दिन वहां मैंने एक ऐसा चमत्कार ऐसा दृश्य देखा जिससे भयभीत होकर वह घर लौट आए। घर में पहुंचकर ही अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मैं बहुत व्याकुल हूँ। बीबी खतीजा ने मुझ पर चादर डाल दी। फिर अपनी पत्नी से कहा कि आज गार ए घुरा में मैंने एक अद्भुत व्यक्ति देखा है। उसने मुझसे कहा, मैं ईश्वर का एक भेजा फरिश्ता कहलाता हूँ, आपको ईश्वर ने नवीन बनाया है। तब उसने मुझसे कुछ पढ़ने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो जबरिल ने मुझसे सीने से लगाया और खूब भींचा। तब उसने पढ़ने के लिए कहा। मैंने उससे फिर उत्तर दे दिया तो उसने फिर मुझे सीने से लगाकर खूब भींचा। तीसरी बार फिर सीने से लगाने के बाद उसने मुझसे कहा, पढ़ अपने रब के नाम से पढ़। उसने नाम से पढ़ा जिससे प्रत्येक वस्तु को बनाया है, मनुष्य को भी उसने जन्म दिया है। पढ़ तेरा रब तेरे मान रखेगा, जिसने कलम लेखनी द्वारा इल्म विद्या दिया है और मनुष्य को सब कुछ लिखना सिखाया है, वह नहीं जानता था। जबरिल के कहने पर जब मैंने पढ़ा तो सारा शरीर में कब कभी छिड़ गई और मुझे अपने प्राणों का भय होने लगा।
बीबी खतीजा जो पहले मेरी दशा देखकर व्याकुल हो गई, अब मुझे धैर्य देते हुए बोला और बोली, आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए कि ठीक वह ठीक जानता है कि उसने अपने और क्या काम लेना चाहिए। जो काम उसने सोचा है आपको उस काम के अपयश नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी एक ऐसा चमत्कार दिखाया था। उन्होंने भैंस के मुख से वेद्र मंत्र उच्चारण करवाकर सबको चकित कर दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस महापुरुष की महिमा वर्णन की गई है। ये तो उन विद्या को जानते हैं जिससे दूसरे संसार संसारिक विद्याएं प्राप्त होती हैं। जब गुरु नानक देव जी पादे के नाम पास पढ़ने के लिए भेजा गया तो उस समय आपको पांडे से कहा कि हमने तो तुम उस सत्यनाम का बोध कराओ, इसमें हम कलमों देवताओं दवादों और कागज से क्या सरोकार है। श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में सच्चे विषय और विद्या के प्रति विषय में कहते हैं। अन्य महापुरुष ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इस सत्य का वर्णन किया है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय।